अस्सलाम वालेकुम डिवर्स, आज हम है ना बिल ऑफ एक्सचेंज का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज को ब्रीफली बताया, जिसमें मैंने आपको पहला केस डिस्कस किया जिसका नाम था बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड बट रिटेन्ड। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का पहला टॉपिक समझ लें, आप ये सिचुएशन समझ लें। आज मैं आपको कराऊंगा वो होगी सेकंड सिचुएशन, उसमें क्या होगा, बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक। ये सेकंड सिचुएशन है जो हम यूज़ करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में। पहले बिल ऑफ एक्सचेंज में, पहले लेक्चर में बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड बट रिटेन सिचुएशन हमारा कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड सिचुएशन है बिल इज ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक। लेट्स सपोज एक पार्टी है और एक बी पार्टी है। ए जो है वो सेलर है, बी बायर है। ये हम जर्नल एंट्रियाँ पास कर रहे हैं, एक आपको सिर्फ समझाने के लिए, इसके जर्नल का परफार्मा आपने देख लेना है। पहली ट्रांजैक्शन, लेट्स सपोज ए ने 1000 रुपीस की गुड्स सोल्ड की हैं बी को ऑन क्रेडिट बेसिस। इन जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, बी अकाउंट डेबिट 1000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1000 से। इसकी नरेशन क्या होगी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार पे बेची है हमने बी को। अब फर्ज करो कि आप बी के अकाउंटेंट हैं, तो बी क्या एंट्री इसकी पास करेगा, बी कहेगा मैंने माल परचेस किया है, परचेस अकाउंट डेबिट 1000 से, क्योंकि इसने उधार माल परचेस किया है, क्रेडिट परचेस किया किससे, ए से, तो ए को ये अपनी लाइबिलिटी बना लेगा, ए अकाउंट क्रेडिट 1000 से, ये लिखेगा बॉट गुड्स फ्रॉम ए, यानी इसने ए से उधार माल परचेस किया है। हम यहाँ पे डेट अज्यूम कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करो हमने 1 जुलाई 2020 में इसको माल फरोख्त किया, सेम डेट ये भी लिखेगा। अब सेकंड जो एंट्री होती है वो होती है बिल जारी करने की, और बी एंट्री पास करेगा बिल कबूल करने की। एज़ यूजल बिल जारी करने की एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब हमने एब्रीवेशन लिखेंगे B/R, बी स्टैंड फॉर बिल, स्लैश आर स्टैंड फॉर रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अकाउंट 1000 से डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टी के ऊपर बिल जारी किया जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, यानी इस सिचुएशन में जिसके ऊपर हमने बिल जारी किया उसका नाम है बी, और यहाँ पे लिखेंगे हम ड्रा आ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बी, यानी हमने एक बिल जारी किया है बी के ऊपर। अगर हम अकाउंटेंट होंगे बी के, तो बिल बी जो है वो इसी बिल को कबूल करेगा, और कबूल करने की एंट्री पास करेगा ए अकाउंट डेबिट, यानी जिसको पैसे पे करने हैं उसको वो डेबिट कर देगा, और बिल पेएबल अपनी लायबिलिटी बना लेगा, बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपीस है, और ये लिखेगा नरेशन में एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीस 1000। अब बिल जारी हुआ 1 जुलाई को, सेल परचेज हुई है 1 जुलाई को, और फ़र्ज़ करो कि 2 जुलाई को 2020 इसने बिल जारी कर दिया है, और 2 जुलाई 2020 को ही इसने बिल कबूल कर लिया है। अब लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि उसने बिल अपने पास रखा था, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है, माइट बी पॉसिबल कि ए को पैसों की ज़रूरत हो, और हर बिजनेस में हर किसी को हार्ड कैश की ज़रूरत होती है, तो ए के पास एक ऑप्शन था कि वो अपने पास बिल रखता, लेकिन इसके पास सेकंड ऑप्शन इस सिचुएशन में ये है कि इस बिल को किसी भी शेड्यूल बैंक से, ठीक है, डिस्काउंट करवा ले, जहाँ पे उसका अकाउंट है, जिस कंपनी में उसका अकाउंट है, यानी उस कंपनी का जिस बैंक में अकाउंट है, वो वहाँ से इसको क्या करवा ले, डिस्काउंट करवा ले। तो फ़र्ज़ करो कि वो
5 जुलाई 2020 को एक बैंक में जाता है जहां पर ए ने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, और उनको जाके ये बिल ऑफ एक्सचेंज पेश करता है बैंक को कि मुझे इसके ऊपर डिस्काउंट करके मुझे हार्ड कैश मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो मैंने आपको बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जिसको पाकिस्तान का लॉ एक वैलिड डॉक्यूमेंट कंसीडर करता है, जिसको प्रूफ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, इसको सबूत के तौर पर, और आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लीगल हैसियत ये रखता है। इसी लीगल हैसियत के इवज़ बैंक इसको डिस्काउंट करके देता है इसी एतबार पर कि कल को ये बिल अगर बी पे नहीं करेगा तो ए से वो पैसे वसूल करेगा विद पेनल्टी। ठीक हो गया। अब 5 जुलाई को लेट्स सपोज ए ने इस बिल को, ये जो ये बिल मौजूद है डेबिट पर पड़ा हुआ है, इस बिल को वो बैंक में प्रेजेंट करेगा। तो फर्ज करो हम बैंक के अकाउंटेंट होंगे, तो यहां पे मैं बैंक की ट्रांजैक्शन बताता हूं। बैंकर्स बुक, बैंकर्स की क्या एंट्री पास करेंगे। अब ये बिल जो होगा वो बेच देगा डिस्काउंट की नियत से बैंक को, तो बैंक इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट की रेट काट के इसके पैसे इसके अकाउंट में शिफ्ट कर देगा। फर्ज करो कि हमने देखा कि जो बिल जारी हुआ, फर्ज करो ये 4 मंथ का बिल है, यानी कि ए ने जो बी को माल फरोख्त किया है उसमें 4 महीने का एग्रीमेंट हुआ है कि बी ए को एग्जैक्ट 4 मंथ के बाद ये 1000 पे करने के लिए पाबंद होगा। तो पता चला कि बिल की मियाद 4 महीने है। अब जब बैंक के पास हम जाएंगे इसको डिस्काउंट करवाने के लिए, तो ये 4 मंथ का जो बैंक होगा डिस्काउंट उसमें से माइनस कर देगा और बकाया पैसे आपको वो आपके अकाउंट में शिफ्ट कर देगा, जहां पर अपनी चेकबुक से आप पैसे निकलवा सकते हैं। तो अब फर्ज करो कि बैंक इसके ऊपर रेट चार्ज कर रहा है 12%। कितना चार्ज कर रहा है जी? 12%। 12% सालाना रेट चार्ज कर रहा है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड के ये बिल 12 महीने का नहीं है, 1 साल का नहीं है, ये बिल है 4 महीने का। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमने डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज के अमाउंट है बिल की 1000, ये आपने रफ में करना है। इसका हमने लेना है 12%, यानी कि 12/100, ये इसके परसेंटेज निकलेगी, पूरे साल का डिस्काउंट निकलेगा। लेकिन क्योंकि बिल मैंने पहले बताया कि 4 महीने का है, तो लिहाजा हमने 12 महीने का बिल नहीं पे करना, डिस्काउंट नहीं लेना, हमने 4 महीने का डिस्काउंट लेना है। तो हम इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे 4/12 से, यानी साल में 12 महीने होते हैं और उसमें से 4 महीने का डिस्काउंट हमने लेना है, और बैंक हमसे चार्ज कर रहा है 12% सालाना। बैंक हमसे सालाना 12% चार्ज कर रहा है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 40 रुपीज इसका डिस्काउंट निकल आता है। इसका डिस्काउंट कितना निकलता है? 40 रुपीज, यानी कि 40 रुपये बैंक हमारे 1000 रुपये में से माइनस करेगा और 960 रुपीज हमारे अकाउंट में शिफ्ट कर देगा। तो पता चला कि यहाँ 40 रुपये जो है वो बैंक का इंटरेस्ट समझ लें आप, बैंक की आमदनी समझ लें, बैंक का बेनिफिट समझ लें, बैंक का मार्कअप समझ लें, और 40 रुपये सेलर का यानी कि ए का समझ लें लॉस समझ लें, या इसको बिजनेस लॉस समझ लें या बिजनेस कॉस्ट समझ लें, लेकिन इस सिचुएशन में ये इसको अपनी बिजनेस एक्सपेंस बनाएगा। और अब बैंक ए बैंक के साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत इस बिल को डिस्काउंट करवा लेगा इस गारंटी के ऊपर कि कल को 4 महीने के बाद बी से बैंक पैसे वसूल कर ले मेरे बिहाफ पर, यानी कि ए के बिहाफ पर, और अगर बी पैसे नहीं पे करेगा तो बैंक दोबारा ए से वो पैसे वसूल कर लेगा। ठीक हो गया। अब बैंक क्या करता है, बैंक इस 40 रुपये को अपने 1000 रुपये के बिल से माइनस करके 960 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा ए के अकाउंट में। तो पैसे चले गए ए के अकाउंट में और बिल अपने आप पेमेंट आ जाएगी बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट जो भी होगा उसका बैंक, उस बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 960 रुपीज़। वो कैसे कि 1000 रुपये का बिल था, 40 रुपये बैंक ने अपना कमीशन काट लेना है, जिसको हम कह रहे हैं डिस्काउंटिंग द बिल। बकाया पैसे बच गए 960 रुपये। अब 960 रुपये बैंक ए के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा और डिस्काउंट कितना बन गया, डिस्काउंट बन गया 40 रुपये।
डिस्काउंट को मैंने डेबिट किया है। क्यों डेबिट किया है? क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये जो डिस्काउंट है ये ए के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। अब इस वजह से एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो बैंक डेबिट होगा 960 से, डिस्काउंट डेबिट होगा 40 रुपीज़ से, और ये जो बिल था ये वाला बिल अब ये वसूल कर लेगा, यानी रिसीव कर लेगा बैंक बतौर अमानत। अब ये जो बिल होगा ये बिल चला गया किसके पास? बैंक के पास, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त अब आपके पास बिल वो मौजूद नहीं रहा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपीज़ से, ठीक हो गया। अब अगर आप बैंक अकाउंटेंट है तो बैंक की एंट्री पास करा होगा, बैंक एंट्री पास करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट, किसके पास? 1000 का बिल आ गया ये वाला, यानी इसने पे कर दिया, इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, उसके इवज बैंक ने इसको पेमेंट की है 960 की, तो कैश क्रेडिट कर देंगे। और वो जो 40 रुपये है अब वो बैंक का प्रॉफिट है, वो इसको इंटरेस्ट की सूरत में भी लिख सकता है, वो मार्कअप भी लिख सकता है, वो इसको कमीशन भी लिख सकता है। ये बैंक एंट्री पास करेगा जर्नल एंट्री। अब बी के सवाल पैदा होता है कि बी की एंट्री पास करेगा। देखें, बी ने 4 महीने तक इस पेमेंट को जवाब दे नहीं है, 4 महीने के बाद जब ये टाइम पीरियड गुजरेगा तो बी इसकी एंट्री पास करेगा। तो पता चला कि जब हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं तो उस पर बायर कोई एंट्री पास नहीं करता, इसका मतलब है इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी 5 जुलाई को। फर्ज करें कि अब 4 महीने गुजर गए और ग्रेस पीरियड जो 3 दिन सेलर पे देता है बायर को, वो 3 दिन इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ठीक 4 महीने 3 दिन के बाद बैंक का नुमाइंदा बी से ये 1000 रुपया कलेक्ट करने के लिए जाएगा। जैसे ही बैंक का नुमाइंदा बी के पास जाएगा और वो बिल देखेगा, उसके बाद उसको वो 1000 रुपये की पेमेंट कर देगा। वो पेमेंट किसको करेगा? बैंक के नुमाइंदे को। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, देर आर 3 पार्टीज इंक्लूड इन बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट इज ड्रॉन, बिल जारी करने वाला, सेकंड ड्राई, बिल कबूल करने वाला, थर्ड था पेई, यानी अल्टीमेट जिसने पैसे वसूल करना है वो पेई है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये जो बैंक है, ये बैंक पैसे वसूल करने जाएगा बी से, तो बी एंट्री पास करेगा बिल पेएबल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 1000 से। अब ये जो 1000 है ये वसूल किया बैंक ने, बैंक ने एंट्री पास की होगी कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 1000। अब ये 1000 बिल जो था वो अब ए को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो बिल का टुकड़ा था वो इस वक्त किसके पास है? बैंक के पास। तो बैंक इसके बिहाफ पर इससे पैसे कलेक्ट करके खुद रखेगा। अब इस सिचुएशन में देखें कि यहाँ पर ए को वक्ती तौर पर 960 रुपये 4 महीने पहले कैश हो गए और उसने अपना 40 रुपये लॉस किया, लेकिन इस 960 रुपये को वो बिजनेस में मजीद घुमा सकता है, बिजनेस में यूज़ कर सकता है, जबकि ये अपनी 4 महीने की बाद की लाइबिलिटी पे करेगा 1000, और इसमें बैंक को क्या बेनिफिट हुआ? बैंक को 40 रुपये सेफ हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसको टेक्निकल बात समझाई जाए कि इसमें वही जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम डेबिट क्रेडिट को ऑब्जर्व करें तो अल्टीमेट एंट्री वही कैश की बनेगी, वो कैसे होगी देखें ज़रा गौर से, कि परचेज अकाउंट डेबिट है और ए यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। ए अगर क्रेडिट है तो इस एंट्री में ए डेबिट हो गया, इट्स मीन डेबिट क्रेडिट होकर ये एंट्री ख़त्म होगी। उसके बाद बिल पेएबल यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, ये डेबिट क्रेडिट होकर ख़त्म हो गया, तो नेट एंट्री क्या बची? परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ये नेट एंट्री बच गई, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब ये नकद माल परचेज करता है तो ये एंट्री पास करता है परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, वही नेट एंट्री इसकी बचेगी। अब हम बात करते हैं ए की, ए ने अपनी ट्रांजैक्शन को कैसे फिल किया। देखिए, इस एंट्री में बी डेबिट हो गया और बी क्रेडिट हो गया, ये डेबिट क्रेडिट को 100 रुपीज़ 1000 से ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखें कि बिल रिसीवेबल डेबिट, बिल रिसीवेबल 1000 से क्रेडिट, ये भी ख़त्म हो गया। अब नेट इंट्री इसके अंदर क्या बच रही है? 1000 की सेल बच गई और बैंक प्लस डिस्काउंट, ये इन दोनों को ऐड करेंगे, ये डेबिट पे है 1000, ये है क्रेडिट पे 1000, तो नेट इंट्री यही बचेगी, यानी अल्टीमेट इंट्री ये बचेगी कि बैंक डेबिट 960 से,
डिस्काउंट डेबिट 40 से और सेल्स क्रेडिट 1000 से। तो पता चला कि अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट के साथ फाइनल जो रिज़ल्ट निकलेगा वो यही निकलेगा, ये वही रिज़ल्ट है कि अगर हम पहले दिन ही नकद सेल कर देते तो ये एंट्री पास करनी पड़ती। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थर्ड टॉपिक करवाऊंगा जिसके अंदर बिल जारी भी होगा, एक्सेप्ट भी होगा, लेकिन थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दिया जाएगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।